मेरे मुंह पे मैंने अभी क्लिंजिंग बाम लगा के रखा है। जस्ट अभी राया सोई है और उसका ना पार्सल आया है कुछ जो मैंने मंगाया था। मौसी ने साफ़ सफाई करके चली गई है मौसी, और ये पार्सल आया तो मैंने कहा चलो यार अनबॉक्सिंग कर देते, इसी बहाने कुछ ना कुछ शूट करने मिलेगा मेरे को। और जो लोग सोचते हैं ना कि दी आप, सही जुगाड़, अपना जुगाड़ सही है। तो मुझे धीरे धीरे खोलना पड़ेगा, पता नहीं इसमें क्या है। मैं मंगाई थी कुछ एड फ्री म्यूजिक, पता नहीं क्या है। ओके लेट्स सी व्हाट्स देयर इन माय बॉक्स। भाई मेरे को है ना वो पिंक विला पे आता था ना व्हाट्स देयर इन माय बैग वाला सेशन, वो बड़ा अच्छा लगता था मुझे। मुझे लगता था कभी मैं भी करूँगी, तो मैं ना कभी कभी एक्ट भी करती थी। बड़ा अच्छा लगता है जब टाइम पास करना नहीं होता, करना होता था मुझे और ड्राया नहीं थी, तो मैं यही करती थी पिंक विला वाला एज इफ है। ये पता नहीं इसमें क्या है। शुरुआत में निकलता है हमारे बैग में से ये कचरा जो आपके प्रोडक्ट को सेफ रखता है। और उसके अंदर से निकलता है एक और बॉक्स, बॉक्स के अंदर से बॉक्स। कभी ये किया है क्या? हम लोग क्या करते थे, जैसे किसी के घर जाना है, कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, तो बहुत लोग है ना क्या करते हैं, इतना बड़ा डब्बा ले जाएंगे, फिर उसके अंदर एक डब्बा, उसके अंदर एक डब्बा, उसके अंदर एक डब्बा, उसके अंदर एक डब्बा, उनके अंदर एक छोटा सा गिफ्ट रख देते थे। लेकिन जब हम लोग देते तो आगे वाले बड़े खुश रहते हैं, अरे चले चले कोई अच्छा गिफ्ट आया है। मैं अपने भाइयों के साथ करती थी। एक बार मैंने शिवेन बोल रही हूँ, मैंने मेरे भाई को शोई को, उसको क्या किया था, छोटा था वो, तो मैंने ना मुझे कुछ 10 रुपये कुछ मिले होंगे उस टाइम, मम्मी ने दिया होगा, छोटे थे हम लोग, उसका बर्थडे था। वाओ आई रिसीव दिस, ये मेरे लिए है, वो शिव राया के लिए नहीं आया है, ये मैंने मंगाया था अपने लिए। टी, शुगर, कॉफ़ी, और कॉफ़ी हम लोग पीते नहीं है, तो इसमें रखूँगी मैं नमक। साथ में मिले हमें 3 चम्मच। ओके तो मैं क्या कह रही थी, मॉर्टिन का डब्बा होता है ना, तो मुझे 10 रुपये मिले थे, मैं शोएब को गिफ्ट देना था, मुझे गिफ्ट देना बहुत पसंद है। तो मैंने क्या किया, डब्बे को लिया, उसमें मैंने पेंसिल और एक रबर और एक शार्पनर लेकर उसमें डाल दिया है, और वो जो मॉर्टिन का डब्बा था मेरे पास है ना गिफ्ट रैप करने के लिए, वो रैपिंग वो भी नहीं था, हम लोगों के टाइम पर इतना नहीं चलता था। तो मैंने क्या किया, उसमें न्यूज़पेपर होता है ना अपना, न्यूज़पेपर जो कलर वाला होता है, मैंने क्या किया उसको रैप किया ताकि वो एक रैपिंग पेपर जैसा भी दिखे, और मैंने उसको गिफ्ट दिया। और मैं ना आज भी वो फ़ोटो देखती है तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि मतलब मुझे पता था कि उसमें क्या है, बेचारी शोएब को नहीं पता था कि उसमें क्या है। वो बेचारा ले रहा है और मुस्कुरा रहा है हल्के से, उसको लगा कि इसमें कुछ तो अच्छा होगा, देखा था पेंसिल रबर और शार्पनर। और पता है मैं क्या करती थी अपने भाइयों का, ये अच्छा डब्बा एक है, मैं क्या करती थी अपने भाइयों का, हमेशा मेरी एक आदत थी, मैं उन लोगों के स्कूल जाने से पहले कंपास बॉक्स में से मैं उनके पेन ले लेती थी और अपने बैग में डाल लेती थी। और जब कोई मेरे क्लास में कोई पूछता है ना, डू यू हैव वन पेन, कैन आई बोरो योर पेन, तो मैं छट निकाल के उनके पेन दे देती। और बेचारे जब वो अपने क्लास में जाते थे, उनके पास पेन नहीं रहता था, वो बेचारे दूसरों से मांगते फिरते थे, और घर आके फिर बोलते थे अम्मी देखो इसने फिर पेन चुराया। सो आई वॉज लाइक दैट, सो सब मुझसे पेन छुपा छुपा के फिर रखने लगे थे। सो दिस इज़ वेरी नाइस, आई लव्ड दिस, कलर इज़ गुड और अच्छा लग रहा है। अब मैं जाके इसमें शक्कर, नमक और चाय पत्ती डाल देती हूँ, और जब शिवेन आएंगे ना तो फिर मैं शो करूँगी हाँ मैंने ये मंगाया। सो इट्स अ गुड प्रोडक्ट। हो गया हमारा अनबॉक्सिंग, व्हाट्स देयर इन माय बैग, हो गया हमारा सेशन कंप्लीट, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। कैच इट, गो 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 गो, कैच इट मामा, पता नहीं शी विल बी एबल और नॉट, बट आई जस्ट वांट हर टू कैच इट, इट्स It's not that far. Yay! You're liking it. You're liking it. All
excited. Raya. उसको करती नहीं नहीं बेटा के देख राय विल यू सिट ऑन दिस विल यू सिट ऑन दिस दिस इज स्पेस कार का चल चल ऐसे बैठते हो हां सॉरी सॉरी चल व्हाट डू यू वांट बिस्किट We'll have some cookies for you, Raya. We'll have some cookies for you. Will you have some cookies? तुम तो यार बच्चे हो। कितनी देर के लिए आऊँगी क्या? ये भी ले लो तो मम्मी को, है ना? Finally. शिवेन फाइंड हिम मुझे देते जा रहा है एंड देन आई हैव टू कीप इट सी सी राया राया इज एंजॉयिंग हर ओडोनिल से खुशबूदार बनाएंगे उसको भी कैरी किए हैं सामान को भी कैरी किए हैं और आ रहा है आई एम जस्ट होल्डिंग दिस शिवेन मम्मी को वीडियो कॉल कर रहा है एंड दिस इज द अपर हॉल सेक्शन ये मेन सेक्शन है ये किड सेक्शन है वाओ ये बहुत हैवी है हाँ हल्का कुछ म्यूजिक वाला देखो विशेष के है ना सब बेबीज का सेक्शन है तोड़ देगी तोड़ देगी दिस लॉट ऑफ गुड थिंग्स सी अभी ठंडक आने वाली है सो दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन हैव इट्स नाइस यहाँ पे भी ठंडक के कपड़े आ गए हैं सो मेनी टॉयज शिवेन किधर घूम रहे शिवेन अपनी दुनिया में दिखाई गॉट अ फ्रेंड दैट गिव मी Give me. You want this? Chal. Chal. Nobody is taking from me. She finally got her gift. See those couples? They are collecting roses and flowers. This is called love. And this is Raya. फाइनली शिवेन आ गए हैं एंड राया तैयार ही डरा के भाग जाने के लिए हर क्लोथ्स हैज अराइव्ड एंड नाउ शी इज जस्ट चूजिंग हर क्लोथ्स कि कौन सा पहनना है जो पहना है वो भी नया है अब सब राया नए नए कपड़े पहनने लगी राया स्टार बन गई है YouTube की स्टार सबके दिलों की जान राया सबके दिलों की धड़कन राया कि मैंने ऐड किया धड़कन दिलों की रानी चमकता सितारा
और ये देखो मौसमी की तरफ, वो वहां चॉकलेट रखी है, सब चीज मतलब वो यार कपड़े ही छोड़ के वो वहां चॉकलेट की तरफ फिर उसके तरफ बस यही चल रहा है। हमारी शान राया, शिवेन ने डिफाइन कर दिया। और हम लोग अभी आ गए हैं ग्रोसरी स्टोर से और यही सब चल रहा है। राया को जो पसंद आई थी डॉल, राया ने जैसे ही देखा उसको मतलब उसको ऐसा लगा ओ मुझे ये चाहिए। मैंने इसको इवन वो भी ऑफर किया था दूसरा कुछ ऐसे डॉग वगैरह जैसे सॉफ्ट टॉय था, लेकिन उसको वो नहीं चाहिए था, उसको डॉल चाहिए था, तो वो डॉल पकड़ के बैठी थी। नाउ शी इज़ प्लेइंग विद मौसमी। उसके कपड़े आए हैं, उसके लिए ना मैंने इस बार एक नया ये मंगाया है, ये हेल्दी मिक्स वाला, इसमें मल्टीग्रेन सीरियल प्लस फ्रूट्स बोल रहा है, बनाना डेट्स एंड हनी, तो ये तीनों चीज़ इसकी फेवरेट है। पता नहीं इसको ये पसंद आएगा या नहीं, ये तो यही जानती है, क्योंकि एक इसम करके दाल और चावल का था, शी डिडंट ईट, मतलब पता नहीं उसको कैसे खुशबू आ जाती थी या क्या थी, शी नेवर यूज टू ईट दैट। बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, ठीक है। और मैं ना आज एक और चीज़ आप लोगों को ऐड करने वाली थी। हम लोग सोचते हैं ना कि जैसे सब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं, और जितने भी न्यू मॉम्स हैं ना, मैंने आपको बोलना था ये चीज़, 0 to 7 years ऑफ एज में आप अपने बच्चों की सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करते हो, उनके अंदर आप बिलीफ सिस्टम को यू नो इनबिल्ट कर सकते हो, तो अच्छे बिलीफ सिस्टम डालें और प्लस ऐसी ऐसी आदतें डालें। लेकिन डालने से पहले सबसे पहली बात ये होती है कि आपको वो आदत को फॉलो करना होता है, बिकॉज बच्चे सुनते नहीं है, बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, लर्न करते हैं, ठीक है। एंड उनके दिमाग में ये नहीं होता है कि हमें क्या चीज़ सही है क्या गलत है, वो हर चीज़ अपने माँ बाप की एक्सेप्ट करते हैं। मेक श्योर कि आप उनके अंदर ऐसी आदतें डालें जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो इन फ्यूचर। सेकेंड, वो बड़े स्मार्ट होते हैं, वो हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अभी मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी जया किशोरी का, उन्होंने उसमें बोला था, और ये चीज़ मेरे ख्याल से बीके शिवानी जी ने भी बोला था, कि बच्चों का जो संस्कार है ना गर्भ संस्कार से शुरू होता है। तो क्या होता है कि जब आप कोई अच्छी चीज़ बोलते हो, मान लीजिए कुछ बच्चे जो बहुत मुस्कुराते हैं, तो इट इज़ ऑल बिकॉज देयर पेरेंट्स आर, या उनके घर का माहौल इतना अच्छा हो, हेल्दी हो, तभी बच्चों में वो सारे संस्कार आते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा रो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके घर के एनवायरनमेंट, आपके घर के वाइब्स उस बच्चे को अफेक्ट कर रहे हैं। तो मेक श्योर अगर ऐसा कुछ है तो तुरंत रुक जाए, तुरंत संभल जाए, एंड ट्राई टू हैव हैप्पी बोलने वाली थी मैं, हैप्पी और हेल्दी, हेल्दी हो गया मेरा, हैप्पी एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, ओके ये होता है। ओके, सो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। मैं आपको बताती चलूँगी और हम लोगों ने क्या क्या किया है, क्या क्या चीज़ें अच्छी अच्छी मुझे अगर पता चलेंगी बच्चों से रिलेटेड, कि बच्चों को क्या चीज़ कैसे आप को परवरिश करनी चाहिए, प्रोग्रामिंग करनी चाहिए उनके सबकॉन्शियस माइंड की, तो यू नो ताकि उनको फ़ायदा हो इन फ्यूचर। और बहुत सारी चीज़ें जो मुझे पता चलेंगी अबाउट मॉम डैड बच्चे, मैं ज़्यादा खींच रही हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।